दोस्तों टैली प्राइम के अंदर आपने बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं, लेकिन अभी तक आप पे पर्टिकुलर किसी एक पार्टी का आपको अगर स्टेटमेंट निकाल के देना है तो वो आप पे नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक पार्टी है आलोक कुमार, जिसका हमने स्टेटमेंट निकाला है। इन्होंने हमसे सेल की 34,000 रुपए की, तो 34,000 का इनका बैलेंस यहाँ पे आ गया। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे हमसे 25,000 रुपए हमारे जमा कर दिए, तो देखिए यहाँ पे 25,000 रुपए यहाँ पे हमारे लेस हुए हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगली पार्टी है 5,000 रुपए की, तो देखिए यहाँ पे हमारे 5,000 रुपए लेस हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हमें पूरा का पूरा अपना स्टेटमेंट बनाना है तो हम अपने स्टेटमेंट को कैसे निकालते हैं टैली प्राइम के अंदर, तो वो हम आज की इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कैसे। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे टैली प्राइम के मेन पेज पर आ चुके हैं। हम यहाँ चलते हैं अपने पास वाउचर एंट्री के अंदर, तो हम यहाँ से वाउचर एंट्री में आ गए। अब हमारे पास एक पार्टी है आलोक, हम अपनी एक पार्टी ले लेते हैं। या चलिए मैं यहाँ पर एक नई पार्टी आपको बना के दिखा देता हूँ। मैंने कहा मेरे पास एक पार्टी है सुनील, तो हमने एक सुनील नाम की एक पार्टी ले ली अपने पास, एंटर किया। अब पार्टी है तो ये हमसे माल खरीदेगी, तो ये हमारे लिए संडी डेप्टर हो गया, हमने संडी डेप्टर दे दिया इसे। अब हमने बाकी इन्फॉर्मेशन में कोई चेंजेस नहीं कर रहे, हम कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेते हैं, इसको भी सेव करते हैं। अब हमें क्या करना है, इनको सेल करना। अब सेल के लिए हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, हम यहाँ क्या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे सभी प्रोडक्ट को एक एक पीस दूंगा। यहाँ नेगेटिव आ रहा है, आप उस पर फोकस ना करें, केवल माल पर फोकस करें। तो हमने इनको एक डेल का प्रोडक्ट दिया है, मैं पहले डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ऑफ कर दूँ क्योंकि बार बार आता रहेगा। तो हमने इनको डेल का एक लैपटॉप बेचा है जो है 15,500 का, हमने यहाँ पे डाल दिया और इसको यहाँ पे सेव कर दिया एंट्री को। फिर से हमारे पास सुनील आया और सुनील ने कुछ हमसे सामान और मांगा, तो हम एंटर एंटर करके इसको यहाँ पे सेव करते हैं। अब इसने कहा कि भाई हमें एक काम करो, एक कीबोर्ड दे दो। हमने कहा ठीक है भाई, एक कीबोर्ड ले लो, हमने कीबोर्ड दे दिया। इसके बाद इन्होंने हमसे कहा कि भाई एक LED टीवी दे दो, तो हमने कहा ठीक है भाई एक LED टीवी ले लो, तो हमने एक इनको LED टीवी दे दी। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई हमें माउस चाहिए, हमने कहा ठीक है भाई माउस ले लो। और इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई हमें एक प्रोसेसर दे दो, तो हमने इनको एक प्रोसेसर दे दिया। अब टोटल जो इनका बिल हुआ है वो हुआ 6,820 रुपए का, किसका, सुनील कुमार का। अब सुनील कुमार फिर से आए, हम यहाँ पे F2 दबाते हैं, पहले डेट चेंज कर रहे हैं। मैंने कहा भाई 1/5 में, यानी हमारा ट्रायल वर्जन है, तो हम यहाँ पे डेट को चेंज करते हैं। हर महीने की आप पहली और दूसरी तारीख को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब सुनील कुमार फिर से आए, इन्होंने हमसे कुछ आइटम और मांग लिया, हमने कहा ठीक है भाई इनको कुछ आइटम बेचने हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई एक 20 पीस कीबोर्ड के दे दो, हमने कहा ठीक है भाई एक 20 पीस कीबोर्ड के भी इन्होंने यहाँ से ले लिए। अब इनके पास काफ़ी सारा माल पहुँच चुका है। अब इन्होंने हमने कहा कि भाई कुछ पैसे दे दो हमें, कुछ पैसे जमा कर दो यार, पेमेंट बहुत हो गया तुम्हारे ऊपर। इन्होंने कहा चलिए ठीक है, कुछ पेमेंट जमा कर ली, तो हमने F6 दबाया और हमने यहाँ पर सुनील कुमार को ले लिया। सुनील कुमार ने कहा कि भाई एक काम करो, तुम 6,000 रुपये जमा कर लो। अब 6,000 रुपये हमें जमा करने हैं एडजस्ट रेफरेंस के अंदर, तो इसके लिए आपको बिल वाइज डिटेल्स को कैसे यूज करते हैं उसके लिए वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप यूज कर लिए या मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए। तो हमने एडजस्ट किया है बिल को, तो देखिए काफ़ी सारे बिल हैं इनके ऊपर। हमारा एक बिल है 7 नंबर, एक है 8 नंबर, एक 9 नंबर। तो हमने कहा कि भाई ये 6,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो सपोज हम पहले वाले बिल को ही क्लियर करते हैं ताकि पुराना बिल क्लियर हो जाए। तो हमने 6,000 रुपये पुराने बिल में जमा कर दिए कैश के द्वारा। अब सुनील कुमार फिर से आए, हमने कहा यार पैसे और दो है भाई, पैसे तुम्हारे बहुत रह गए। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई एक काम करो, तुम 20,000 रुपये और जमा कर लो। तो हमने 20,000 रुपये और जमा किए, एडजस्ट बिल पे गए। अब पहला बिल है 9,500 का, तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। फिर से एडजस्ट रेफरेंस में गए, अब एक बिल खत्म हो गया, दूसरा बिल ले लिया, तो हमारा दूसरा बिल भी यहाँ पे देख क्लियर हो गया। अब तीसरा बिल बचा है, तो हम तीसरे बिल में से भी बचे कुचे पैसे यहाँ पे काट देते हैं और कैश में इस पैसे को जमा कर लेते हैं। अब सुनील कुमार से हमने कहा कि भाई सुनील कुमार पैसे दे दो भाई। अब इनका क्वेश्चन जो मेन आता है टैली के अंदर कि आप किसी पार्टी से जब बैलेंस को अपने को क्लियर करते हैं तो पार्टी आपसे कहती है भाई पुराना बिल दिखाओ कि हमारा कितना सामान था और कितना तो हमारे पास पैसा पहुंच चुका है। अब इस कंडीशन में हमें यहां पर देना होता है टैली प्राइम या टैली के अंदर कोई सा भी वर्जन हो, चाहे ERP हो चाहे प्राइम हो, उसमें आपको पर्टिकुलर उस एक बंदे को स्टेटमेंट देना होता है। अब ये स्टेटमेंट आप कैसे देंगे टैली प्राइम के अंदर, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट बुक का। इसके बाद यहाँ पे लेजर आएगी, अब आपको जिस पार्टी का भी लेजर निकालना है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने कहा हमें सुनील का निकालना है, तो हमने सुनील कुमार की लेजर ले ली। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांजेक्शन आ रहे हैं वो कब के आ रहे हैं, 1 मई 2024 के, जबकि हमने 1 अप्रैल से शुरू किया है। तो हम यहाँ पे F2 दबाएंगे या पीरियड पर क्लिक कर देंगे, तो हमने कीबोर्ड से F2 बटन को दबाया। कब से कब तक का पीरियड चाहिए हमें, हमने कहा भाई 1/4 से लेके हमें 1/6 तक का दे दे समथिंग, यानी 1/5 का यदि 1/4 के बीच का हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये ट्रांजेक्शन हैं सुनील कुमार के, ठीक है। अब सुनील कुमार का ये तो लेजर आ गया, अब यहाँ पर हमें ये चीज़ भी दिखानी है कि भाई इन्होंने हमसे कब कब क्या क्या सामान खरीदा है
और कितना कितना पैसा इनके ऊपर रह गया था हमारा। तो अब इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए आपको कीबोर्ड में दबाना है F12 की को। जैसे ही आप कॉन्फिगरेशन पे जाएंगे, या तो कीबोर्ड से F12 दबा दीजिए, या आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है कॉन्फिगर, तो आपको इसको मैं किसी को भी यूज कर लेना है। अब देखिए सबसे पहले आ रहा है शो नरेशन, इसको आपको यूज नहीं करना। फॉर्मेट रिपोर्ट, ये आपको कॉन्स्टेंट पे ही रखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बिल बाय डिटेल्स को हमने यूज किया तो हम इसको यस करेंगे। इसके बाद यहाँ कह रहा है शो इन्वेंटरी डिटेल्स, यानी कि आपने कौन सा आइटम बेचा, ये भी आप दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम ये भी दिखाएंगे भाई। इसके बाद शो पेमेंट, इसको आपको नहीं यूज करना। नीचे आपको इसके नेम बाइज वगैरह से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन और आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है टैली के अंदर, शो रनिंग बैलेंस। ये आपका सबसे अच्छा है, चाहे आप बैंक का स्टेटमेंट निकालें या किसी पार्टी का, इसको आपको खास तौर पर यस कर लेना चाहिए। तो हमने इसको यस कर लिया और एंटर। अब देखिए जैसे ही आपने डिटेल पे यहाँ पे यस किया तो यहाँ पर हमारे पास पूरा का पूरा बैलेंस आ जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्रेडिट में जो डेबिट में जो बैलेंस गया है वो ये है, और क्रेडिट जो बैलेंस हुआ है। इसके बाद 15,500 की एक खरीद हुई है, 22,320 की एक खरीद है, यानी 6,820 रुपये की जोड़ के इसमें, और 9,800 रुपये और जोड़े तो इसमें ये बैलेंस हो गया। इसके बाद इन्होंने 6,000 रुपये जमा किए तो इसमें से ये कट गए। इसके बाद 20,000 और जमा करे तो इनके 26,000 में से, अब 26,000 20,000 इन्होंने और जमा किए तो 6,120 रुपये हमारे इनके ऊपर रह गए। अब यहाँ पर ये तो आ रहा है कि भाई इनके ऊपर ये जो बैलेंस है, अब हमें ये भी निकालना है कि भाई पर्टिकुलर इन्होंने क्या खरीदा है हमसे। हमें प्रोडक्ट भी यहाँ पे दिखाने हैं इनको प्रिंट करके। तो आपको ऑल्ट और F1 दबाना है तो आप देखेंगे इनकी पूरी डिटेल आ गई कि इन्होंने जो एक डेल का लैपटॉप खरीदा था 15,500 हिसाब से एक पीस, उसकी डिटेल ये है। इसके बाद इन्होंने कीबोर्ड खरीदा है, LED TV खरीदी है, माउस खरीदा है और प्रोसेसर खरीदा है, उसकी डिटेल ये आ गई। इसके बाद इन्होंने कीबोर्ड खरीदे हैं 20 पीस 490 के हिसाब से, इसकी डिटेल ये है। तो इस तरीके से इनका बैलेंस आ गया। अब हमें यहाँ पे इसको प्रिंट करना है तो आपको ऑल्ट दबा के पी को प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे करंट पे एंटर करिए। इसके बाद यहाँ पे आई पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे बिल आ जाएगा, और आप यहाँ जूम करके देख सकते हैं इनकी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर आ गई। अब देखिए यहाँ पर लिख रहा है लेजर अकाउंट। अब आप लेजर अकाउंट की जगह आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आ जाए स्टेटमेंट लिखा हुआ, तो आप इसको कैसे करेंगे? तो हमने यहाँ पे इसको स्केप करते हैं, यहाँ पे बैक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कॉन्फिगर का, आप इस पर क्लिक करिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आएगा शो मोर, इस पर क्लिक करिए और नीचे की तरफ आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर टाइटल आ रहा है लेजर अकाउंट, तो आपको इस पर एंटर करना है। अब आपको किसका, सुनील कुमार टाइटल है हमारा मेन, तो इनका निकाल लें। तो हम स्टेटमेंट हमने लिख दिया और एंटर कर दिया, कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाइए और फिर से आप आई दबाइए, और फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से आ गया। कृष्णा बिल के नाम से हमारी कंपनी है, सुनील कुमार का हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, और पूरा स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। टैली प्राइम के अंदर अगर आपको किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का या पर्टिकुलर पार्टी का आपको अगर लेजर निकाल के देना है, इसका स्टेटमेंट निकाल के देना है, तो आप किस तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।